सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी। रोहित और उसकी लव मैरिज थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या, तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं? तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी, 10,000 कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा, पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी ना की होती तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, मैं अभी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना। सलोनी की फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था, पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी का है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है, काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें, सलोनी को अच्छा लगेगा, वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है, अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका कैटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे, मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। एक सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7-स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं, उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना, मेरे बर्थडे की शाम 7-स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है, अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7-स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है, तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है, मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे, अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है, पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना, इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित ये क्या, माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है, वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो, तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है और यहाँ फुल एसी चल रहा है, माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है, अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले, इसमें हर्जी क्या है। सलोनी बेटा जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है, अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो, हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है।
पापा ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं। इन सब ने 7-स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहां से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है और वो अपने दोनों बच्चों को समझा कर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी के बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार। यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ, तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मुझसे तो कह सकती हो। रोहित मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती, बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती है। सलोनी बेटा तुम चिंता मत करो, ये लो तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसे स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए माजी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माजी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है।